नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए कुछ नई जानकारी या नई अपडेट लेकर आया हूं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए है जिनके रिजल्ट आ चुके हैं या जिनके रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे कि रिजल्ट में काफ़ी सारी एब्रीवेशन लगातार देखने को मिल रही हैं। काफ़ी स्टूडेंट तो ऐसा बोल रहे हैं कि हमने पेपर अच्छे से अटैम्प्ट किया था, लेकिन फिर भी हमारे रिजल्ट में REP दिखाया गया है, यानी कि रीपियर दिखाया गया है, ठीक है। और बाकी सारी एब्रीवेशन है जैसे FLC, RPFD, RLA, RLO, EEC, ठीक है, FB, ठीक है, FP और PRS और भी अदर एब्रीवेशन है। वैसे तो मैंने डिटेल वीडियो पहले बना रखी है, मेरी प्लेलिस्ट है अलग से जिसमें रिजल्ट एब्रीवेशन करके, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें आपको डिटेल से बताया है, मैंने उसका मीनिंग भी बताया है, कब तक उसको ठीक करवा सकते हैं वो भी बताया है, लेकिन कुछ नई एब्रीवेशन भी आई हैं। और एक दो स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कंसेंट फॉर्म के लिए भी मेरे को बोल रहे थे कि कंसेंट फॉर्म वाले एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि हमने PDF भी सेंड की थी, सबमिट की थी, फिर भी हमको अबसेंट दिखाया गया है। तो आप घबराइए मत जिनके भी रिजल्ट में ये एब्रीवेशन आई है, क्योंकि ये अब की बार पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है, ठीक है। ये कंसेंट फॉर्म वाले जो स्टूडेंट है ये उसी का नतीजा है, क्योंकि इनके भी रिजल्ट में ऐसे ही अबसेंट वगैरह आया था, तो इनके लिए यूनिवर्सिटी ने जो है कंसेंट फॉर्म निकाला था ताकि इनके जो एग्ज़ाम है वो दोबारा से कंडक्ट करवाए जा सकें। अब इनका ये क्वेश्चन है मेरे पास कि हमारे कंसेंट फॉर्म वाले जो एग्ज़ाम है वो कब होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सपोर्ट जरूर किया करो। और जो भी इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहता है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर जाके आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये रिसेंटली रिजल्ट है जो कि एक दो दिन पहले ही जारी किया गया था। ये MA का रिजल्ट है, इंग्लिश का रिजल्ट है। ये देखिए कितनी सारी एब्रीवेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट को परेशान करने वाला जो है काम कर रही है। आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि प्रशासन तक भी ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो भी समझ सके कि स्टूडेंट की क्या क्या समस्याएँ हैं, ठीक है। और ये जो है टेक्निकल इशू भी हो सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। वैसे मैं इसका डिटेल से क्या बताऊंगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मैंने पहले भी आपको हर एक वीडियो में बताया हुआ है, पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली इनके बताऊंगा कि कैसे आप इसको ठीक करवा सकते हैं। घबराइएगा मत, ठीक है। अबसेंट आया है किसी भी स्टूडेंट के रिजल्ट में, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट के कॉल भी आए हैं, काफ़ी स्टूडेंट परेशान हो चुके हैं, इसलिए ये सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। यहां पे पहला जो एब्रीवेशन है अबसेंट दिखाया गया है। पहले मैं आपको वो कंसेंट फॉर्म वाले बता देता हूँ जो कंसेंट फॉर्म वाले स्टूडेंट हैं। जो कंसेंट फॉर्म वाले जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम कब होंगे आप इसकी चिंता मत करें, यूनिवर्सिटी आपको 15-20 दिन पहले ही बता देगी कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक है। तो आप इसकी चिंता ना करें कि हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, जब भी होंगे आपको 15-20 दिन पहले बता दिया जाएगा। और यूनिवर्सिटी की तरफ से बकायदा आपको जो है डेट शीट आपकी पहले जारी की जाएगी, उसके बाद आपके जो है बता दिया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम इस दिन होने हैं। तो अपनी तैयारी रखें क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, इस चिंता में मत रहें कि कब होंगे, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है। यूनिवर्सिटी ने स्टार्टिंग में ज़रूर बोला था कि आपके फरवरी मार्च में करवा लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक ये एग्ज़ाम चल रहे हैं जो रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं उनके, फिर उनके बाद आपके एग्ज़ाम करवा सकती है यूनिवर्सिटी। बाकी देखेंगे, जब भी अपडेट आएगी आपको बता देंगे। अब इनकी बात करते हैं कि अबसेंट आया है, ठीक है। तो घबराइए मत, ये पहले भी आए थे अबसेंट वगैरह। तो अबसेंट का मैं आप बात समझ सकता हूँ कि आप यही बोलोगे कि मैंने PDF भी सही समय पर सेंड की थी और सही से सेंड की थी, पेपर भी अच्छा किया था, फिर भी अबसेंट दिखाया है। इसके दो रीज़न होते हैं, या तो आपकी PDF वहाँ पे नहीं पहुँची, ठीक है, या फिर ये टेक्निकल इशू हो सकता है। दो रीज़न है इसके, जैसा मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है, पहले भी हुआ है ऐसा, ठीक है। अगर आपकी PDF नहीं पहुँची तो आपका अबसेंट दिखाया है। अगर आप कहते हो कि मेरी PDF पहुँची है, मैंने सेंड भी की थी, ठीक है, तो आपके पास इसका प्रूफ होगा। अगर प्रूफ भी नहीं है तो आपको क्या करना होगा इसके लिए, सिक्रेसी ब्रांच में जाके यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे आपको इसकी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि मैंने तो अपनी PDF सबमिट की थी, ठीक है। अगर प्रूफ है तो वो भी अटैच कर देना स्क्रीनशॉट लगा के, ठीक है, और अपना रोल नंबर वगैरह लगा देना, फोटोकॉपी लगा देना उसकी, ठीक है। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन लिखना और सिक्रेसी ब्रांच में जाके आप इसको सबमिट करना, फिर उसके बाद आपका ये जो रिज़ल्ट है वो अपडेट हो सकता है, या फिर आपकी DMC में ही रिज़ल्ट अपडेट होके आ जाएगा, ठीक है। वो बता देंगे कि आपका रिज़ल्ट अपडेट होगा या आपके एग्ज़ाम दोबारा होंगे, जो भी होगा वो बताएंगे, यूनिवर्सिटी आपको अपडेट करेगी, ठीक है। तो अबसेंट वालों का तो ये चक्कर रहता है, और उसके बाद टेक्निकल इशू हुआ तो वो आपका ठीक कर देंगे वो।
अगर आप एप्लीकेशन दे के आते हो। उसके बाद RLO का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, RLO का मीनिंग यही होता है कि आपका कोई, जैसे ये सेकंड ईयर का रिजल्ट है तो जैसे इसका फर्स्ट ईयर में रीप ईयर आई होगी या फिर रीप ईयर इसने क्लियर कर दी होगी, इसका रिजल्ट भी आ चुका होगा, ये पास भी हो चुका होगा, लेकिन इसने क्या किया कि अपना जो रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी में अपडेट करवाना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का। अगर ये क्लियर हो चुका है स्टूडेंट तो इसको बताना पड़ेगा कि मैं फर्स्ट ईयर में क्लियर हो चुका हूँ, मेरा अब जो रिजल्ट आया है उसको अपडेट कीजिए। तो ये रिजल्ट ब्रांच में जाके जो भी इसका डीलिंग रूम होगा इसके कोर्स का, वहाँ पर अपना ये रिजल्ट सबमिट करेगा फर्स्ट ईयर का, और उसके बाद इसका अपडेट होकर रिजल्ट आएगा। अपडेट होकर भी आ सकता है, DMC भी डायरेक्ट आ सकती है, ठीक है, DMC में ठीक होकर भी आ सकता है। और उसके बाद यहाँ पर इसके रिजल्ट में RPFD दिखाया है और इसके पीछे 3500 रुपये लिखे हैं। तो RPFD का ये मीनिंग होता है कि आपकी जो फ़ीस है वो पेंडिंग होगी, तो आपको ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप कहते हो कि मैंने तो फ़ीस पे कर रखी है, तो आपको इसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में जाके एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना पड़ेगा, उसका फोटोकॉपी लगा देना प्रूफ की, अगर आपने पहले पे कर रखी है। अगर पे नहीं कर रखी तो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, ये 3500 रुपये। तो इसका ये ठीक हो जाएगा आपका। और PRS ये फेल का तो पता ही आपको, फेल, ठीक है, फेल तो फेल ही होता है। अब स्टूडेंट बोलेगा कि अच्छा पेपर हुआ था फिर भी फेल कर दिया है, ऑनलाइन में तो अच्छा पेपर हुआ होगा सभी के, पता ही आपको, ठीक है। यहाँ पे अब्सेंट दिखाया है स्टूडेंट को और इसको फेल भी दिखा दिया गया है, इसलिए इसको फेल दिखाया है। अब्सेंट एंड फेल, इसका मीनिंग होता है ABSF का कि अब्सेंट और सब्जेक्ट फेल, इस सब्जेक्ट में आपको फेल किया गया है। अब क्यों किया गया है, या तो आपकी PDF नहीं पहुँची वहाँ पर, या फिर ये आपने सही पेपर नहीं सबमिट किया होगा, ठीक है, और इसीलिए ये आपको ABS दिखाया, ये अब्सेंट ही होता है इसका मीनिंग भी। और उसके बाद PRS प्रीवियस रिजल्ट स्टैंड, यानी कि पिछला जो पहले रिजल्ट था आपका, वही रिजल्ट आप भी सेम का सेम वैसा ही बना हुआ है जैसे पहले आपका रिजल्ट था, क्योंकि ये पास आउट स्टूडेंट मेरे को लगता है होगा जिसके रिजल्ट में PRS आया होगा। और उसके बाद RLA का मीनिंग ये है कि, और उसके बाद RLA, ठीक है, RLA का मीनिंग यही है कि आपका जो भी एग्ज़ाम सेंटर है आपके एडमिट उस पर रोल नंबर पे, उन्होंने अपना आपका जो पेपर है वो चेक करके वहाँ पे अवार्ड जो है यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँचाए हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में जाके अपने अवार्ड लेकर के वहाँ से, कि मेरे अवार्ड या तो वही डायरेक्ट पहुँचाए या फिर आप उनसे अवार्ड लेकर के यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करें, और फिर उसके बाद आपका रिजल्ट अपडेट होगा, ठीक है। RLA का मीनिंग ये था। PRS का मैंने बता दिया है, RLO का बता दिया है, अब्सेंट का बता दिया है, एक एब्रीवेशन आई है स्टूडेंट के मन, EEC, ठीक है। EEC का मीनिंग ये है, ये EEC उनके रिजल्ट में आया होगा जिनकी UMC बनी थी, ठीक है। अगर आपकी UMC नहीं बनी है फिर भी आपका EEC आया है तो ये टेक्निकल इशू है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन सिक्रेसी ब्रांच में देनी पड़ेगी। अगर आपकी UMC बनी थी तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि आपने जो एग्ज़ाम दिए थे वो सभी एग्ज़ाम आपके कैंसिल कर दिए गए हैं, इंटायर एग्ज़ामिनेशन कैंसिल आपके कर दिए गए हैं, ठीक है, सभी एग्ज़ाम आपके कैंसिल कर दिए गए हैं क्योंकि आपकी UMC बन गई थी। क्योंकि UMC का जो डिसीज़न होता है उसमें 2-3 डिसीज़न आते हैं, जैसे BOD, बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है, इसका क्लियर कर दिया जाता है इसको डाउट के हिसाब से। और उसके बाद होता है आपका EEC, EEC में यही होता है कि आपके सभी एग्ज़ाम में आपको फेल कर दिया गया है, ठीक है। और एक होता है PRS का तो आपको बता ही दिया मैंने, और एक होता है आपका FP का मीनिंग ये होता है कि प्रैक्टिकल में आपको फेल किया गया है, ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको फेल कर दिया गया है, तो FP का मीनिंग यही है। और उसके बाद REP का मतलब यही है कि आपकी रीपियर आई है, इसका दो मीनिंग निकलते हैं। अब स्टूडेंट बोलेंगे कि हमने तो पेपर अच्छा किया था, ऑनलाइन एग्ज़ाम थे, ठीक है, फिर भी रीपियर कैसे आ सकती है हमारे एग्ज़ाम में। अब ये तो यूनिवर्सिटी के ऊपर है, देखो यूनिवर्सिटी ने आपका पेपर पहुंचा तो है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर पेपर नहीं पहुंचता तो आपके यहाँ पे जैसे इसके तो नहीं दिखाए, अब्सेंट दिखा रखा है इसको, अब्सेंट दिखाया है इसको, इसका पेपर ही नहीं पहुंचा वहाँ पे, तो आप अगर पेपर पहुंचा तो वहाँ पे अपना एप्लीकेशन दो। और अगर आपका रीपियर दिखा करके यहाँ पे जैसे 34 आपके नंबर दिए हैं, तो इसका मीनिंग यही है कि आपका पेपर तो वहाँ पे पहुंचा है, जभी तो आपके 34 नंबर आए हैं, ठीक है। इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप रीवैल्यूएशन का अप्लाई करो, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में भी जाके अगर आप बोलोगे कि मेरे नंबर कम आए हैं या रीपियर है, तो वो यही बोलेंगे कि अगर आपको लगता है तो आप रीवैल्यूएशन अप्लाई कर लीजिए, रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, अगर उसमें आपके नंबर बनेंगे
तो आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन आपको रीपियर का फॉर्म तो इसके लिए फिल करना ही पड़ेगा। अगर आपकी री आ जाती है, रीपियर आ जाती है, तो उसके लिए रीपियर का फॉर्म तो आपको फिल करना ही पड़ेगा। अब ये कब होगा फिल, ये तो यूनिवर्सिटी अपडेट करेगी, जब भी आपको बता देंगे। ठीक है, आप भी यूनिवर्सिटी की साइट विजिट करते रहना। और बाकी सभी मैंने RPR, एक RPR होता है, RPR का मीनिंग ये है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचा, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करके आएँ एप्लीकेशन के साथ, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएगा। तो लगभग सभी मैंने बता दी है। एक होता है RProve, उसका मीनिंग यही होता है रिजल्ट प्रोविजनल, ठीक है, और उसका बेसिकली मीनिंग कहीं पर भी नहीं मिला है। और EEC का मैंने बता दिया। बाकी जो भी एब्रिवेशन रहती है आप कमेंट कर देना, मैंने सभी डाउट यहाँ पे बताए हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट को परेशान करने वाला काम है ये, क्योंकि अच्छे एग्ज़ाम हुए थे स्टूडेंट के, मैं भी, मेरे को भी पता है, फिर भी यूनिवर्सिटी ऐसे एब्रिवेशन लगाती है तो स्टूडेंट को परेशान होकर यूनिवर्सिटी में आना पड़ता है दूर दूर से। काफ़ी स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से भी हैं, वो भी अब आएंगे यूनिवर्सिटी से। तो देखो, अब ये टेक्निकल इशू भी हो सकता है यूनिवर्सिटी का भी, क्या इसमें है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे। तो बाकी मैंने बता दिया आपको, आपकी मर्जी है किस हिसाब से आपको करना है। मैंने तो आपको सही राय बताई है, जैसा भी पिछले मैंने ऑब्जर्व किया, जितना भी ये सभी पहले भी हुआ था उसी आधार पे मैंने आपको बताया है।